अमित शाह जी ने 5 राज्यों का चुनाव है वहां ध्यान देना चाहिए, वहां बीजेपी हार रही है और इंडिया अलायंस ही उनको हरा रहे हैं। इंडिया अलायंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, इंडिया अलायंस के जो लीडर्स है वो समर्थ है, वो सक्षम है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं है। क्या ठीक नहीं है? इंडिया अलायंस का काम अभी अभी शुरू हुआ है। इंडिया अलायंस की जो फॉर्मेशन है वो खास करके लोकसभा चुनाव 2024 वो सामने रखकर हम इंडिया अलायंस बनाया है। अब नीतीश कुमार जी ने एक बात कही कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में नहीं तो ज्यादा ध्यान कांग्रेस चुनाव में दे रही है। इंडिया अलायंस बना तो चुनाव के लिए है, अब जिस राज्यों में चुनाव है वहां कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे, बीजेपी को नहीं हराएंगे विधानसभा में, तो हम लोकसभा की तैयारी कैसे करेंगे? तो इंडिया अलायंस का काम जो है 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद फिर एक बार इंडिया अलायंस की बैठकें होगी, सीट शेयरिंग होगा। कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अपना घर संभालो भाई साहब, हमारे घर में झांकने की जरूरत नहीं। 2024